खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी ने पथमेड़ा स्थित देश के 6 अलग अलग राज्यों में लगे सीबीजी प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गाय का गोबर हमारे गांवों में बदलाव ला रहा है। भारत के सैकड़ों गांवों में आज गोबर से बायोगैस बनाई जा रही है। यह कार्य आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर बदल देगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। राजस्थान के सांचौर जिले में स्थित गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा में अब गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी। पथमेड़ा की गौशाला में सीबीजी प्लांट लगाया गया है, जिसका लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को पथमेड़ा स्थित देश के 6 अलग अलग राज्यों में लगे सीबीजी प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गाय का गोबर हमारे गाँवों में बदलाव ला रहा है। पहले गाय के गोबर का प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो पाता था, अब बायोगैस के प्लांट ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। यह कार्य आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर बदल देगा। पीएम नरेंद्र मोदी जब दिल्ली से वर्चुअली लोकार्पण कार्यक्रम से जुड़े, उस दौरान केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और मनोहर लाल भी मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम गौधाम पथमेड़ा के थानापति रविंद्रानंद सरस्वती महाराज, महंत नंद राम दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ ने कहा कि गौधाम पथमेड़ा गौ सेवा महाअभियान की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी ने कहा कि गौ सेवा के लिए तन मन और धन से हर समय तैयार रहूंगा। पथमेड़ा के राष्ट्रीय महामंत्री अर्जुन सिंह तिवरी ने कहा कि HPCL द्वारा 25 करोड़ से अधिक की लागत से 15 बीघा भूमि पर प्लांट बनाया गया है। दरअसल गौधाम पथमेड़ा स्थित गौशाला में 13,000 के लगभग गौवंश हैं, जिनसे प्राप्त 100 टन गोबर का प्रतिदिन सीबीजी संयंत्र में उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर प्रतिदिन 100 टन गोबर से 2 टन प्योर सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगा एवं 25 टन सॉलिड मैन्योर खाद भी बनेगा, और ये हम लोग बाकी के गांव में यहाँ पर फैलाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाएंगे। और HPCL का ये पहला सीबीजी प्लांट जो कि गोबर बेस्ड है वो बनाकर हम लोग ने गौशाला को ये समर्पित किया है। पथमेड़ा के CEO आलोक सिंहल ने कहा कि गौ सेवा के इस पावन अभियान में आज गोबर से गैस बनने के इस सीबीजी संयंत्र से महाराज श्री का देखा गया दूरगामी सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। यह प्लांट अपने आप में एक ऐतिहासिक प्लांट है, क्योंकि एक ही परिसर में जो 13,000 वेद दक्षिणा गौवंश हमारे पास यहाँ सेवा में है, उसके गोबर के उपयोग से यह प्लांट चलेगा और भविष्य बताएगा इस प्लांट के परिणामों को। यह प्लांट एक दूरगामी सोच के तहत स्थापित किया गया है। इस प्लांट की सफलता से गौमाता की सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। सीबीजी प्लांट का लोकार्पण। सीबीजी का तात्पर्य संपीड़ित बायोगैस संयंत्र से है। जैविक कचरे से स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन करती है। सीबीजी की प्रक्रिया में बायोडिग्रेडेबल कचरे को बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। देश में सैकड़ों ऐसे प्लांट हैं जहां कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। अब 6 और प्लांट लगाए गए हैं, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने किया। पथमेड़ा गौशाला विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। सांचौर में स्थित श्री गौधाम महातीर्थ की ओर से संचालित है। HPCL के माध्यम से यहां प्लांट लगाया गया है। प्रतिदिन 2 टन से ज्यादा बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। करीब 15 बीघा जमीन पर 25 करोड़ की लागत से प्लांट तैयार किया गया है। पथमेड़ा की इस गौशाला में करीब 13,000 गौवंश हैं। 100 टन गोबर का उपयोग प्रतिदिन सीबीजी प्लांट में किया जाएगा। कार्यक्रम में आभार व्यक्त करते हुए पूर्व महामंत्री रघुनाथ सिंह राजपुरोहित ने कहा कि गौमाता के गोबर का उपयोग गैस उत्पादन के बाद खाद के रूप में होगा, ये भविष्य के लिए बहुत सुखद संकेत है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता डूंगरा राम जी पुरोहित ने मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।